साम्राज्य। कल के वीडियो में हम लोगों ने विजयनगर साम्राज्य को पढ़ा था और दक्षिण भारतीय इतिहास में विजयनगर और बहमनी दो ऐसे साम्राज्य रहे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के दौरान जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि विजयनगर को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो निश्चित रूप से पहले उसे देख लें, फिर बहमनी साम्राज्य भी आज हम लोग उसी रूप में बेहतर रूप में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग थोड़ा इसके बैकग्राउंड को जानने का प्रयास करते हैं ताकि जो आज के टॉपिक्स के मूल बिंदु हैं और मैप है उसको हम लोग बेहतर रूप में समझ सकें। दिल्ली सल्तनत के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था और इस दौरान कई अलग अलग क्षेत्रों में विद्रोह हो रहे थे क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन से बहुत सारे लोग नाराज थे। इसी क्रम में जो दक्षिण भारत के जो अमीर थे वो भी नाराज थे। उन मुसलमान अमीरों ने विद्रोह कर दिया और विद्रोह करके अपना एक नेता चुना जिसका नाम था हसन गंगू। बाद में वो बहमन शाह के नाम से ही बहमनी साम्राज्य की स्थापना करता है। तो उन्होंने अमीरों ने मिलकर के अपना एक लीडर चुना और एक अलग साम्राज्य स्थापित कर दिया। तो एक प्रश्न आता है कि 14वीं शताब्दी, याद रखिएगा शताब्दी भी कभी कभी पूछता है, तो 14वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में दो राजवंश उभर करके सामने आए, एक विजयनगर जो हिंदुओं द्वारा स्थापित था हरिहर और बुक्का के द्वारा और एक बहमनी साम्राज्य जो कि मुसलमानों द्वारा स्थापित किया गया था। तो 14वीं शताब्दी में जब ये दोनों साम्राज्य स्थापित हुए थे तो उस समय दिल्ली में किसका शासन चल रहा था? तो दिल्ली में चल रहा था मोहम्मद बिन तुगलक का, तुगलक वंश का शासन चल रहा था। तो इस प्रकार से ये जो आप भाग देख रहे हैं कृष्णा नदी का, इस कृष्णा नदी में बराड से लेकर के कृष्णा नदी के तट तक यह पूरा इलाका जो है वो बहमनी साम्राज्य का क्षेत्र था, जबकि कृष्णा नदी से नीचे का जो भाग था वो भी मूल रूप से विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा होता है। तो आज जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं वो स्पेशली कृष्णा नदी से ऊपर के भाग के संबंध में हम लोग पढ़ेंगे और ये जो छोटे छोटे पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं इस चार्ट को समझते समय उसको भी समझेंगे ताकि आपको आसानी से याद हो सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो इसके संस्थापक जो थे वो उनका नाम था जफर खां और इसका वास्तविक नाम हसन गंगू था। तो दोनों नाम से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जफर खां या हसन गंगू। इसने क्या किया कि जब इसने शासक बना तो इसने एक उपाधि धारण की, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ये उपाधि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उसने बहमन शाह की उपाधि धारण की और चूंकि बहमन शाह की उपाधि धारण की इसीलिए इस साम्राज्य का नाम क्या पड़ जाता है, बहमनी साम्राज्य। तो बहमनी साम्राज्य के संस्थापक के जब भी प्रश्न पूछे गए हैं तो अलग अलग नाम दिए गए, कभी बहमन शाह आपको नाम दिए जाएंगे, कभी हसन गंगू नाम दिया जाएगा, कभी जफर खां भी दिया जा सकता है। तो इस तरह से आपको ये तीनों ही नाम याद रखने हैं, एक ही व्यक्ति के नाम है और इसी ने स्थापित किया था बहमनी साम्राज्य। और ये स्थापित किया था कहाँ, तो ये मूल रूप से इसने कृष्णा नदी के ऊपर के भाग जो कि बराड और कृष्णा नदी के जो बीच का भाग था उसी बीच में इसने स्थापित किए थे। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1347 में स्थापना हुई थी, इसको याद रखना है। जिस प्रकार से हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी उसी प्रकार से आपको इसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो स्पेशली इसी से बनते हैं, फिर ये जितने भी पॉइंट हैं इसमें से बन सकते हैं, लेकिन मेनली जो प्रश्न अभी तक पूछे जाते रहे हैं वो हसन गंगू से या बहमन शाह से ही पूछे जाते रहे। 1347 में बहमन शाह ने इसकी स्थापना की और उसने 1358 तक शासन किया। तो कभी कभी उसका शासन काल भी पूछा जा सकता है तो इसे याद रखेंगे। इस शासन काल के दौरान बहमन शाह ने क्या किया, बहुत प्रयास किया कि वो अपने साम्राज्य को स्थायित्व दे सके और काफी हद तक वह इस कार्य में सफल भी होता है। उसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया, तो यहीं पे गुलबर्गा का क्षेत्र था, उसको उसने क्या किया, अपने राजधानी के रूप में विकसित किया और एक साम्राज्य की स्थापना उसने कर दी। यह जो क्षेत्र था उसका, ये बराड से लेकर के कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र था, तो उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, तो बराड से लेकर के कृष्णा नदी, और आप इस मैप को देख करके समझ चुके होंगे कि किस भाग में मूल रूप से ये वंश उभर करके या ये साम्राज्य जो है उभर करके सामने आता है। उसने अपने साम्राज्य को चार प्रांतों में बांट दिया, जैसे हम लोग पढ़ते भी आए हैं कि दिल्ली सल्तनत थे तो वो भी प्रांतों में बांटते थे जिसको इकता कहते थे। तो इसने भी क्या किया, अकेले शासन चलाने के क्रम में उसने चार प्रांत बना दिए। पहला प्रांत गुलबर्गा जो उसकी खुद की राजधानी थी, दूसरा दौलताबाद जिसके संबंध में आपने पढ़ा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दौलताबाद राजधानी परिवर्तित करने का प्रयास किया था,
बरार और बीदर, ये वो क्षेत्र थे जिसको उसने चार प्रांतों के रूप में विभाजित किया। और इस चारों प्रांतों में उसने क्या किया कि सूबेदार नियुक्त कर दिया और उसके माध्यम से उसने शासन चलाना शुरू कर दिया। तो स्वयं राजा होने के बाद उसने सूबेदारों की नियुक्ति की और उसके माध्यम से जो है शासन चलाने का उसने प्रयास किया और काफ़ी हद तक वह इसमें सफल भी हुआ। उसने प्रारंभिक रूप में कुछ अच्छे प्रयास भी किए, जैसे वो हिंदू यानी जो विजयनगर साम्राज्य था वो उसका प्रतिद्वंदी साम्राज्य था, लेकिन फिर भी उसने क्या किया कि हिंदू शासकों को पहले तो उसने अपने कब्जे में ले लिया, फिर उसके बाद उनको कुछ पद दिए, उनको कुछ जागीर दिए और अपने क्षेत्र में हिंदुओं को भी पद पर उसने बनाया और हिंदुओं से उसने जजिया कर नहीं लिया। तो पिछले वीडियोस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जजिया कर किसे कहते हैं, हिंदुओं से लिया जाने वाला जो धार्मिक कर था वो जजिया कर कहलाता था। तो उसने हिंदुओं से जजिया कर नहीं लिया, इसका रीज़न ये भी था कि वो नया वंश स्थापित कर रहा था, नया साम्राज्य स्थापित कर रहा था, तो वो नहीं चाहता था कि हम बहुत सारे दुश्मन प्रारंभिक रूप में ही बना लें। अगर वो बहुत सारे दुश्मन प्रारंभिक रूप में ही बना लेता है तो निश्चित रूप से वो सफल नहीं हो पाता अपने साम्राज्य को स्थापित करने में। इसलिए उसने एक अच्छा पहल किया कि उसने कम दुश्मन बनाने के प्रयास किए और सबको सहयोग में लेकर के अपने साम्राज्य को स्थायित्व देने का उसने जो है प्रयास किया और काफी हद तक उसमें वो सफल भी रहा। उसकी मृत्यु के बाद जब 1358 में उसकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसका पुत्र जो है मुहम्मद शाह प्रथम जो है वो शासक बना। अब मुहम्मद शाह प्रथम के समय से स्पेशली जो है संघर्ष शुरू हो जाता है विजयनगर और बहमनी के बीच में। हालांकि जो हसन गंगू था उसने भी रायचूर के प्रदेश जो कि कृष्णा और तुंगभद्रा, ये तुंगभद्रा जो थी वो इसकी सहायक नदी थी, तो तुंगभद्रा के बीच का जो दुआब क्षेत्र था इसी को कहा जाता था रायचूर। इस रायचूर के लिए ही मुख्य रूप से संघर्ष होता था। यहाँ पे एक मैंने पॉइंट लिखा है, इसे याद रखेंगे हमेशा, कि बहमनी एवं विजयनगर के बीच संघर्ष का जो सबसे मेन कारण था वो रायचूर दुआब था। मैंने कल भी बताया था कि दुआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि, जो कि काफ़ी अधिक उपजाऊ होती है और पहले जिस समय की बात हम लोग कर रहे हैं उस समय कृषि से प्राप्त होने वाला कर ही सबसे बड़ा कर होता था। तो ऐसे में उपजाऊ भूमि पर हर वंश चाहता था, हर साम्राज्य चाहता था कि मेरा अधिकार हो। तो ऐसे में यही वो क्षेत्र था जिसके लिए बहमनी और विजयनगर के बीच निरंतर संघर्ष होते रहे। जितने भी शासक आए और उधर से जितने भी विजयनगर के शासक आए, लगातार इनमें कभी ना कभी लड़ाई होती ही रहती थी। तो मुहम्मद शाह प्रथम जो 1358 से 1375 के लिए शासक बना, इसके समय में विजयनगर के साथ युद्ध के क्रम में पहली बार जो है बारूद का प्रयोग किया गया। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, ईस्वी 1358 से 1375 हम लोगों ने पढ़ा था एक वीडियो में कि 1526 में जो है बाबर भारत पर आक्रमण करता है और सबसे पहले जो है वो बारूद लेकर के आता है भारतीय इतिहास में और वो युद्ध में बारूद का प्रयोग करता है। लेकिन उत्तर भारत में ये प्रयोग पहली बार था, लेकिन उससे पहले ही दक्षिण भारत में इसका प्रयोग हो चुका था। हालांकि यह प्रयोग बाबर के जैसा नहीं था कि बड़े बड़े तोपों में प्रयोग किया जा रहा था, ये हल्का प्रयोग किया गया था, लेकिन इसका प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया था, तो मुहम्मद शाह प्रथम ने किया था जब उसने बुक्का पुरथम के खिलाफ जो है अभियान चलाया, विजयनगर से लड़ाई लड़ी, तो उस दौरान उसने बारूद का प्रयोग जो है किया था। तो यहां से एक प्रश्न जो है आपका बन सकता है, इसे ध्यान रखेंगे। मुहम्मद शाह द्वितीय 1378 से 1397 के लिए शासक बनता है। इसके समय भी एक दो प्रश्न है जो पूछे जा सकते हैं। इसने शांतिपूर्ण नीति चलाई थी। इसने क्या किया कि वह प्रथम से बिल्कुल भिन्न था। उसने क्या किया कि शांतिपूर्ण नीति चलाई और विजयनगर से कोई संघर्ष नहीं किया। उसने केवल अपने ही साम्राज्य को सुदृढ़ करने का प्रयास किया, अपने ही साम्राज्य को ठीक करने का प्रयास किया। इसलिए उसने शांतिपूर्ण नीति का अनुसरण किया और विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध कोई युद्ध नहीं किया। इतने लंबे समय शासन करने के बावजूद भी उसने एक बार भी विजयनगर के खिलाफ अभियान चलाने का प्रयास नहीं किया। जबकि अगर कोई शासक 2 या 3 के लिए भी बनता था तो वो विजयनगर से पक्का एक बार युद्ध कर ही लेता था, लेकिन इसने अपने लंबे शासनकाल के दौरान कभी भी विजयनगर के साथ संघर्ष करने का प्रयास नहीं किया। आगे आते हैं तजाउद्दीन फिरोज शाह। इसमें एक चीज मैं बता दूं कि ये क्रमशः नहीं है शासक, इनके बीच में कोई कोई शासक आए जो मात्र 6 महीने रहे, कोई शासक आए जो 3 महीने रहे, तो वैसे शासकों से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने उनको स्किप कर दिया है, उनको हटा दिया। अब तजाउद्दीन फिरोज शाह 1397 से 1422 तक शासक बनता है।
इसके समय के एक प्रश्न है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसने क्या किया कि तीन बार जो है ये विजयनगर पर इसने आक्रमण किए। तीन बार विजयनगर पर आक्रमण करने के क्रम में दो बार तो ये जीत जाता है लेकिन एक बार हार जाता है। तो वो ये हारने और जीतने से इसके प्रश्न नहीं पूछा जाता है। इसने एक काम और किया था कि भीमा नदी के तट पर इसने फिरोजाबाद, जिसको फिरोजशाह नगर के रूप में भी जाना जाता है, की स्थापना की थी। तो फिरोजाबाद या फिरोजशाह नगर भीमा नदी के तट पे, जब उत्तर भारत में हम लोग पढ़ेंगे तो फिरोज शाह तुगलक था जिसने फिरोजाबाद की स्थापना की, लेकिन जब दक्षिण भारत में भीमा नदी के तट पर किसने स्थापित किया था फिरोजाबाद को, तो वो आप पढ़ेंगे कि फिरोज शाह ने किया था, जो कि किस वंश का शासक था, तो ये था बहमनी वंश का शासक। कृष्णा की एक सहायक नदी है जिसका नाम है भीमा, और उसी सहायक नदी के तट पर इसने जो है ये नगर जो है बसाया था। तो यहां से एक प्रश्न बनता है, इसलिए इसे आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा आते हैं शिहाबुद्दीन अहमद शाह। शिहाबुद्दीन अहमद शाह 1422 से 1436 के बीच में शासक बनता है। अब इसके समय की एक घटना है जो प्रश्न के रूप में पूछी जाती है। जैसे हम लोगों ने यहां पहले देखा था कि बहमन शाह ने अपनी राजधानी जो है वो गुलबर्गा को बनाया था। इसने क्या किया कि 1425 ईस्वी में अपनी राजधानी को बीदर ले गया। ये गुलबर्गा से अपनी राजधानी को उठा करके कहां ले जाता है, बीदर ले जाता है। तो ये प्रश्न पूछता है कि बीदर को किसने राजधानी बनाया था बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत, तो अहमद शाह ने बनवाया था। और इसने क्या किया कि उसका नाम भी चेंज करके मुहम्मदाबाद कहना शुरू कर दिया। तो बीदर जो उसका पुराना नाम था उसको ही मुहम्मदाबाद कहता है और वहीं पर इसको जो है राजधानी के रूप में चिन्हित कर लेता है। इसके बाद आता है एक शासक जिसका नाम है मुहम्मद शाह तृतीय। मुहम्मद शाह तृतीय से संबंधित कुछ पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसे प्रश्न की दृष्टि से आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। उससे पहले मैं एक और चीज बता दूं कि ये जो अहमद शाह थे इसके संबंध में कहा जाता है कि ये काफी न्यायप्रिय शासक हुआ था। इसके कारण इसे संत अहमद शाह या संत अहमद शाह वली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसने अपने दरबार में जो है न्याय व्यवस्था को ज्यादा अच्छा रखा, इसलिए इसे वली के नाम से भी जाना जाता है। अहमद शाह वली या संत अहमद शाह करके संबोधित किया जाता था। इसके बाद आते हैं मुहम्मद शाह। मुहम्मद शाह के पहले दो तीन शासक आए जो बहुत छोटे छोटे शासनकाल के लिए थे। एक उसी में से हुमायूं नाम का शासक आता है जो मात्र 3 सालों के लिए शासन करता है और वो काफ़ी क्रूर शासक था। तो उसको जो है दक्कन का जो है नीरो कहा जाता था, यानी बहुत कुख्यात था वो, एक प्रकार से उसको बहुत ही निगेटिव क्रूर शासक के रूप में कहा जाता है। तो वो शासक रहे। अब इसमें जो मुहम्मद शाह है इनके संबंध में दो तीन पॉइंट याद रखना है। ये 1463 से 1482 तक शासन करता है। इसके समय में एक महमूद गवा जो है वो वजीर बनता है। कहा जाता है कि पूरे ये जो बहमनी साम्राज्य है उसको एक मजबूत रूप देने में इस वजीर का बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए इसे याद रख सकते हैं। महमूद गवा जो है इस समय वजीर बना जो कि एक पर्शियन समुदाय से संबंधित था। कहा जाता है कि महमूद गवा जो है वो भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से पर्शियन क्षेत्र से आया था, और भारत में आने के बाद उसने बहमनी क्षेत्र में व्यापार करना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे वो राजाओं के करीब आते गया। नतीजा ये हुआ कि बाद में मुहम्मद शाह ने उसे एज ए वजीर नियुक्त कर दिया। वजीर नियुक्त होने के बाद पूरा शासन का जो भार है उसने अपने ऊपर ले लिया और उसने काफ़ी हेल्प की मुहम्मद शाह की, और मुहम्मद शाह जो है एकदम स्थिर रहा। और वजीर के रूप में गवा ने जो है बहुत सारा कार्य किया, और ये जो 4 क्षेत्रों में बांटे थे हसन गंगू ने या बहमन शाह ने अपने क्षेत्र को, इसने क्या किया उसे 8 क्षेत्रों में बांटा, और 8 क्षेत्रों में बांट करके उसको प्रशासन को और मजबूत और आसान बनाने का उसने जो है प्रयास किया। इस प्रकार से महमूद गवा के प्रयासों से जो है ये बहमनी साम्राज्य को मजबूत रूप देने का प्रयास किया गया। इसके अलावा उसे ख्वाजा जहां की उपाधि भी दी गई। उसे ख्वाजा जहां की उपाधि जो है महमूद शाह तृतीय ने जो है उसे प्रदान किया। तो ये प्रश्न यहां से भी बन सकता है, स्पेशली ये बन सकता है कि किसने उसको वजीर नियुक्त किया था। हालांकि इससे पहले से ही वो बहमनी साम्राज्य के अन्य शासकों से जुड़ा रहा, लेकिन वजीर जो है वो मुहम्मद शाह तृतीय के समय आकर के बनता है। मुहम्मद शाह तृतीय के समय एक रूसी यात्री भारत आया जिसका नाम था निकितिन। इसने बहमनी साम्राज्य की यात्रा की थी। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने विजयनगर साम्राज्य में पढ़ा था कि बहुत सारे विदेशी यात्री आते हैं अलग अलग समय में, देवराय टू, तो उसी तरह से यहाँ पे भी आप याद रख सकते हैं कि मुहम्मद शाह तृतीय के समय एक रूसी यात्री भारत आए थे जिसका नाम था निकितिन, और इसने भी बहमनी साम्राज्य की यात्रा की थी। और सबसे लास्ट में आते हैं कि
खलीमुल्लाह या इसी को कहा जाता है कलीमुल्लाह, ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम मिल जाएंगे हमको, ये बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक माना जाता है। इसके बाद जो है ये बहमनी साम्राज्य कई भागों में टूट गया था। तो खलीमुल्लाह या कलीमुल्लाह जो है इस वंश का अंतिम शासक रहा। नोट में आप याद रख सकते हैं कि इसमें कुल 18 शासक हुए थे जिन्होंने मिलकर के लगभग 175 वर्षों तक शासन किया, और इस 175 वर्षों के दौरान कई बार उनका संघर्ष जो है वो विजयनगर से हुआ, विजयनगर इस तरफ से और इधर से बहमनी, दोनों के बीच संघर्ष की स्थिति बनी रही। और हम लोगों ने यहाँ पढ़ा ही था कि संघर्ष का मूल कारण क्या था, तो दोआब क्षेत्र। इसके अलावा भी कई कारण थे, ये हिंदू साम्राज्य था, ये मुस्लिम साम्राज्य था, तो कई बार धार्मिक भावना से प्रेरित होकर के भी संघर्ष होते थे, कई बार जो है क्षेत्र विस्तार को लेकर के होता था, तो अलग अलग रीजन रहे जिसके कारण ये दोनों साम्राज्य आपस में लड़ते रहे। इस अंतिम शासक के बाद बहमनी साम्राज्य जो है वो 5 भागों में टूट गया। ये 5 वो भाग हैं जो बहमनी साम्राज्य के क्षेत्रों में अलग अलग सूबेदार जो अलग अलग क्षेत्रों में शासन करते थे उन्होंने वहां पे अपना सत्ता स्थापित कर लिया और बहमनी साम्राज्य के जो मूल शासक थे वो समाप्त हो गए। तो आइए इसको देखते हैं कि किस क्षेत्र में किस शासक ने वंश की स्थापना की और वहां पे कौन से वंश से वो जाना जाता है। ये बहुत सारे एग्जाम में मिलान करने वाले प्रश्नों में इसे बहुत बार पूछा गया है, तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले जो अलग हुआ था बहमनी साम्राज्य से वो था बरार। बरार सबसे पहले अलग हो गया, ये सबसे दूर भी था तो सबसे पहले क्या हुआ, ये सबसे पहले ही अलग हो गया। अलग होने के क्रम में फतेह उल्लाह इमाद शाह जिसका नाम था उसी ने इसकी स्थापना की और यहाँ पे जो वंश स्थापित हुआ उसका नाम हुआ इमाद शाही वंश। अब चूंकि इमाद शाह इसका नाम है, फतेह उल्लाह इमाद शाह इसने जो स्थापित किया उस वंश का भी नाम क्या पड़ गया, इमाद शाही वंश। दूसरा जो बना वो बना बीजापुर। बीजापुर जो था वो यूसुफ आदिल शाह के द्वारा स्थापित किया गया और चूंकि इसके नाम में आदिल शाह लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे जो वंश स्थापित हुआ वो क्या हो गया, आदिल शाही वंश। तो बीजापुर आदिल शाही वंश की स्थापना किसने की, यूसुफ आदिल शाह ने। अहमदनगर, अहमदनगर की स्थापना की मलिक अहमद ने और यहाँ पे चूंकि अहमद शाह के द्वारा स्थापित हुआ था तो अहमदी वंश नहीं कहला करके यहाँ क्या कहलाया, निजाम शाही वंश। बाद में पढ़ेंगे आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसमें निजाम शाही वंश के बारे में आपने पढ़ा होगा। फिर उसके बाद है गोलकुंडा। गोलकुंडा में कुली कुतुब शाह ने यहाँ पर जो है गोलकुंडा की स्थापना की तो इसलिए यहाँ पे जो वंश स्थापित हुआ वो हुआ कुतुब शाही वंश। तो आप याद रख सकते हैं कि गोलकुंडा की स्थापना किसने की, कुली कुतुब शाह और यहाँ पे जो वंश स्थापित हुआ उसका नाम हुआ कुतुब शाही वंश। बीदर, बीदर को जिसने अलग किया उसका नाम था अमीर अली बरीद तो इसने बरीद नाम से ही बरीद शाही वंश की स्थापना कर दी अमीर अली बरीद ने। तो इस प्रकार से ये 5 भाग थे जो टूट करके बहमनी साम्राज्य से अलग हो गए। अब आइए इनकी स्थिति को देखते हैं। ये कृष्णा नदी से ऊपर का भाग है, यहाँ पे बीजापुर का क्षेत्र था, बीजापुर से थोड़ा अलग बीदर और इस तरफ गोलकुंडा और इस तरफ पश्चिमी भाग की तरफ अहमदनगर और सबसे ऊपर में जो था वो कौन था, बरार। इस प्रकार से ये 5 भागों में ये जो बहमनी साम्राज्य था वो टूट करके बिखर गया। टूट के बिखरने के बाद क्या होता है आइए उसको जानते हैं। ये 5 राज्य आपस में संघर्ष करते रहते थे। अब मान लिए किसी गोलकुंडा को साम्राज्य विस्तार करना होगा तो स्वाभाविक है कि बीदर के साथ उसका संघर्ष होगा, जब अहमदनगर को इस तरफ करना होगा तो बीजापुर से उसका संघर्ष होगा, अहमदनगर को बरार की तरफ। तो इस तरह से कई बार ये देखने को मिला कि ये आपस में भी संघर्ष की स्थिति में रहते थे। लेकिन इन 5 का जो सबसे मुख्य शत्रु था वो कौन था, वो विजयनगर था जो कहाँ स्थित था, दक्षिण में। तो इस 5 में आपस में भी मतभेद थे लेकिन इन 5 का जो सबसे मेन शत्रु था वो कौन था, वो विजयनगर था। और इसके बारे में आपने पढ़ा है, कल भी पढ़ा है कि 1565 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है तालीकोटा का युद्ध या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है उसको। इस युद्ध में क्या हुआ था कि ये 5 के जो वंश है ये मिलकर के लड़े थे किसके खिलाफ, विजयनगर के। अब यहां से एक प्रश्न आपको याद रखना है, जब ये लड़ने आए थे तो बीजापुर अहमदनगर गोलकुंडा और बीदर इन 4 ने लड़ा था किसके खिलाफ,
विजयनगर के खिलाफ 1565 के तालीकोटा युद्ध में। इसमें जो बरार था वो शामिल नहीं हुआ था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि तालीकोटा के युद्ध में पांचों बहमनी राज्यों में से किस राज्य ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। इसका कारण था कि बरार का जो है वो गोलकुंडा के साथ जो है वो संघर्ष की स्थिति चल रही थी, तो गोलकुंडा का उसने साथ नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि वो तालीकोटा के युद्ध में जो है पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो इस प्रश्न को आपको याद रखना है, थोड़ा सा ये भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। अब आते हैं इन राज्यों का बाद में क्या हुआ। बरार जो सबसे ऊपर था उसको 1574 में अहमदनगर ने जीत करके अपने में मिला लिया। तो बरार को अहमदनगर जीत करके 1574 में मिला लेता है, उसके बाद बरार की स्थिति समाप्त। बीदर जो यहां पे है, इसका क्या हुआ, इसको बीजापुर ने जीत लिया। इसको इसने जीत लिया और ये भी 1619 में बीजापुर का हो गया और बीदर का अस्तित्व जो है वो समाप्त हो गया। अहमदनगर की बात करें तो अहमदनगर चूंकि इधर से प्रारंभ में था, तो अकबर ने दक्षिण भारत का अभियान किया था और उस दौरान उसने क्या किया, अहमदनगर का अधिकांश भाग जो है उसने कब्जा कर लिया। बाद में जाकर के शाहजहां के शासन आते 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 अहमदनगर भी मुगलों का भाग बन जाता है। तो इस तरह से मुगल वंश पढ़ेंगे तो उसमें भी ये आपको देखने को मिल जाएगा, अहमदनगर मुगलों के साम्राज्य में विलीन हो जाता है। अब बच जाता है कौन, तो बीजापुर और गोलकुंडा, जो अपना अस्तित्व किसी तरह से बनाए रखने में सफल होते हैं। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा होगा कि पुर्तगालियों ने जब हमला किया था तो 1510 में उसने गोवा के क्षेत्र को जीत लिया था। तो ये जो बीजापुर यहाँ पे गोवा पे अधिकार किए हुए था, उससे गोवा वगैरह जो है वो किसने छीन लिए थे, पुर्तगालियों ने छीन लिए थे। फिर भी वह अपना साम्राज्य जो है किसी तरह से बचाए रखने में सफल था, कौन, बीजापुर और गोलकुंडा। लेकिन मुगल शासक में एक मुगल शासक जिसका नाम आप जानते होंगे औरंगजेब, उसने अपने जीवन के अंतिम 25 वर्ष जो है वो दक्षिण के अभियान में ही लगा दिए। तो जब वह दक्षिण के अभियान में आया तो उसने क्या किया कि बीजापुर को और गोलकुंडा को, उसने बीजापुर और गोलकुंडा को भी औरंगजेब ने जीत लिया। इस प्रकार से ये पांचों वंश जो है अब मुगलों के अधीन हो गए और मुगलों से किसने छीन लिया, फिर मुगलों से छीन लिया अंग्रेजों ने और फाइनली वो अंग्रेजों के अधीन हो गए, जो कि आधुनिक भारत में आपको पढ़ने को मिला था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज बहमनी साम्राज्य में किस प्रकार से इस वंश का उदय हुआ और किस प्रकार से इस वंश का पूरी तरह से समाप्ति हुआ, सभी बिंदुओं को हम लोगों ने पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि ये सारा पॉइंट जो है